बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है बानो फैमिली व्लॉग्स और मैं हूँ बानो। अल्लाह पाक से आपकी लंबी उम्र तंदुरुस्ती की दुआ मांगती हूँ और अल्लाह के फजल आप सब फैमिली की दुआओं की वजह से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज के व्लॉग का आगाज करते हैं और आज है सरप्राइज आपके लिए भी, आप भी दुआ कीजिएगा। ये है सरप्राइज, वाओ, ये देखिए, ये हमारी वॉशिंग मशीन है बहुत ही प्यारी है ये वॉशिंग मशीन। जो हमारी पहले वाली वॉशिंग मशीन थी वो खराब हो चुकी थी। उसका चक्का जो है ना वो काम नहीं कर रहा था, उसमें कपड़ा अटक जाता था। फिर मुझे बार बार पानी में हाथ डाल के बाजू डाल के उसको निकालना पड़ता था। तो फिर मैंने पर धमकी लगाई कि अब मैंने कपड़े नहीं धोने, जहां से मर्जी धुलवाए धोबी से धुलवाए या किसी काम वाली से कहें, हाथ से धोए, खुद धोए, बच्चों से धुलवाए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, घर की मजबूरियां भी होती हैं। तो मेरी मेरी फरमाइश ठीक थी, घर की चीज बन गई है। तो ये उन्होंने मुझे वॉशिंग मशीन लेके दी है। आए जरा इसको चेक करते हैं कि कैसी है। को सबसे ओपन। पहले तो इसका कलर देखे ना, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, इंडस कंपनी की है। जी, और ये ब्लू और व्हाइट कलर की है, जो दोनों मेरे फेवरेट कलर हैं। जी, तो ये है कि इंडस कंपनी बहुत अच्छी है और इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो काफी बेस्ट होती हैं। इसका हाँ, ढक्कन तो दिखाएं। ढक्कन ये ये जो अलग से मम्मी, हो जाता है। अच्छा जी, इसका ढक्कन ऐसे था ना कि जैसे सिंक नहीं होता, उस तरह मुझे हाँ, लग रहा था ये डीप है ना यहाँ जी। से। अच्छा, ये मम्मा ने कहा, मम्मा को मैंने कहा, मम्मा जी ये डीप क्यों है? मम्मा कहते कि मोबाइल रखने के लिए है। हाँ, अगर हम कपड़े धोएं तो लेडीज तो इसके ऊपर हम मोबाइल रख लें, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं इसका मजाक कर रही थी। और ये है एक अदर टोकरी, जी ये टोकरी इसके साथ आई है, बहुत प्यारी सी है बट बहुत छोटी है, इसमें किसी के कपड़े नहीं आएंगे। इसमें कुछ और चीज डाली जाएगी। और फिर इसका ये जो है, क्या इसको बोलते हैं, चक्का, फ्लावर ये इसका चक्का है, ये भी काफी अच्छे वाला है। व्हील है इसका। और ये डीप भी काफी है, अच्छी रहेगी ये। तो बाकी आप बताएं चले, कमेंट में आपको कैसी लगी ये मशीन। मैं हाँ साइड काफी से भी अच्छी आपको है। दिखाती हूँ, देखें इधर से भी देखें। और अब मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मशीन का रिव्यू मैंने कर दिया है। तो अब ये दुआ भी मेरे पास आ गई है, तो कह रही है मेरे साथ साइकिल पे खेले। मैंने कहा है, मैं साइकिल के साथ खेलूं? मैं बैठ गई तो ये सारी ठप हो जाएगी। तो अभी मैंने इसे कहा चलाओ और ये देखें, वही बिस्किट खा रही है जो कि मुझे पसंद नहीं है। मिनी ओरियो, ये बड़े ही मजे के होते हैं बिस्किट। पहले इसमें क्रीम या व्हाइट आया करती थी, लेकिन अब इसमें क्रीम भी काली आने लग गई है, ब्राउन, आई मीन के चॉकलेट टाइप की। दोनों किस्म की होती है ना, इसमें व्हाइट भी होती है और ब्राउन भी होती लेकिन है। ये तो अब ब्राउन ही मैं देख रही हूँ। चलो खा लो, फिर जब काली हो जाओगी ना ये बिस्किट खा कर, फिर मुझे बताना। मैं इनको रोकती भी हूँ, मरियम को भी और दुआ को भी, कि ये बिस्किट ना खाया करो। डराती हूँ मैं इनको कि ये खाने से आपका रंग काला हो जाएगा, बट ये ऐसी ढीठ है, ये डरती नहीं है, खाती है। ठीक है, बहुत बुरी बात, इसको उठाओ उठाओ। जब तो भी ये हम कोई रैपर जो है ना, जब हम कोई भी चीज खाएं, हमें उसका रैपर जो है डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ये जो अच्छे मर्जी मैनर्स करें। होते हाँ हैं। बिल्कुल, जब मरियम छोटी सी थी ना तो मैं ट्रेवल करके बस में जब जाती थी इसको साथ लेके, तो ये चीज मांगा करती थी कि मम्मा मुझे ये ले दे वो ले दे। बस से बाहर से मैं अगर दो तीन बिस्किट या निमको और बोतल वगैरह इसको लेके देती थी, तो मैं इसको छोटी सी थी, इससे भी छोटी, दुआ से भी छोटी थी, तब मैं इसको समझाया करती थी कि मरियम आपने जब भी कोई चीज खानी है आपने रैपर बस में नहीं फेंकना ना बाहर फेंकना है, तो इससे लोगों को तकलीफ होती है। इसी तरह आपको हर चीज की सफाई रखनी चाहिए जैसे अपने घर की रखते हैं। तो मरियम के दिमाग में उस वक्त से ये बात बैठी हुई है, ये कभी ट्रेवल करे या स्कूल में हो या कहीं पार्क वगैरह में, तो ये चीजें रैपर जो है ना चीजें खा के फेंकती नहीं है, उसको एक शॉपर में डालती रहती है, घर के कूड़े में आके डालती है। और फिर मुझे बताती भी है कि मम्मा ये देखे आपने मुझे बताया था ना एक मरतबा, तो मैं, क्योंकि बच्चियां जो है ना वो अपने हाफजे में चीज को, बात को रख लेती हैं, तो माशाल्लाह ये बच्चियों की ही क्वालिटी है। बेटे जो है वो कम समझते हैं लेकिन समझ जाते हैं। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें हमें अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को बतानी चाहिए कि अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं तो ये हमारा मुल्क भी हमारा घर है। तो जरूर बताना चाहिए, हर चीज तालीम जो है ना वो स्कूलों से ही नहीं पता चलती, हमें बाअमल भी होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, जाने वालों में शेयर कीजिए और लाइक किया करें। ये मरियम मम्मा मुझे ने भी इशारा करनी करी है है कि लाइक। लाइक किया करें और चैनल को क्या सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।